तो हम लोग आ रखे हैं शॉपिंग करने। कल मैंने मम्मा के लिए कुछ लिया, आज वो मुझे कुछ लेके दे रहे हैं। तो मैंने ये स्वेटर चूज़ करा है, अब देखते हैं। मैं ये तो लेने ही वाली डेफिनेटली, इसके अलावा क्या लेती हूँ देखते हैं। तो हमने मतलब इस लड़के ने ना बहुत टाइम हमारा वेस्ट करवाया। आप पूछो क्यों, यार ये लड़का क्या कर रहा है स्कूटर वाला? देखो वो देखो, इसने बहुत गंदा कट मारा है अभी, बिल्कुल गाड़ी के आगे आके इसने मोड़ काटा है। तो मुझे बहुत हेडेक हो रही है, पता नहीं क्यों लाल हो गई हूँ मैं। पता नहीं क्या होता है, मैं जब भी मुझे हेडेक होता है कुछ होता है, मैं लाल तो पहले हो जाती हूँ ना, क्या ही बताऊँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों लग रहा है वो पता नहीं। अच्छा मैं कल की बात बताती हूँ। कल मैं और दीदी जब जा रहे थे ना वो लेने मतलब कुछ शॉपिंग करने, और हम मंदिर गए थे कल, मैंने आपने व्लॉग देखा होगा तो आपको आइडिया होगा। तो हम लोग गए थे, तो क्या हुआ कि मैंने दीदी को वैसे ही कह दिया कि दीदी आप भी हेलमेट पहन लेना, आजकल वैसे भी स्ट्रिक्टनेस है। तो स्ट्रिक्टनेस का भी नहीं, ठंड भी है ना, ठंड में तो चलो पहन ही लेता है इंसान हेलमेट। तो दीदी ने पहन ली, जब हम वापस आए तो हमें वहां पे इतने पुलिस वाले मिल गए, तो फिर लिटरली मैंने और दीदी ने उनके सामने गाना गाया, हमें रोक के दिखाओ। इतना खुशी महसूस हुई ना, मतलब इतनी खुशी जिंदगी में कभी फील नहीं आई होगी जितनी उस टाइम पे फील हुई हमें, कि हम पुलिस वालों के सामने से स्टाइल से निकल रहे हैं और बोल रहे रोक के तो बताओ, कोई तो कारण निकालो ऐसा, नहीं तो वो रोक लेते। हाँ खुशी का कारण यही था कि रोक ही नहीं पाए और हम उनके सामने गाना गा के आए। खुशी का कारण ये था कि पिछली बार जब रुके थे बड़ा खज्जल हुए थे। पिछली बार एक बार इन्होंने मुझे रोक लिया था, मैंने हेलमेट नहीं पहनी थी, मैं उनको वो अपना लाइसेंस ही दिया, पता नहीं क्या हुआ मेरे दिमाग में ऐसा, मैं लाइसेंस ही दिया। बट मुझे गुस्सा इस बात का था कि मेरे सामने से बहुत लोग निकल गए, उनको रोका नहीं, मुझे रोक लिया। मैंने पूछा कि उनको क्यों नहीं रोका, मुझे क्यों रोका, कहते उनको रोकता वो रुकते नहीं, एक्सीडेंट हो जाता, आप रुके हुए थे। मैंने कहा यही बात है, आप शरीफ लोगों को रोक लेते हो और जो लोग शरीफ नहीं होते वो समझ, जो लोग समझते नहीं आप उनको रोक ही नहीं पाते हो, इसीलिए आप सोचते हो कि भाई जो सिंपल लोग हैं जो सुन रहे हैं उनको सुना दो। मैंने तो उनको बड़ा कुछ बोल दिया था, मुझे लगता है वो तो अब तक अपनी जॉब छोड़ चुके होंगे। मैंने उनको ये तक कह दिया था, मैंने कहा आप डिजर्व ही नहीं करते हो रिस्पेक्ट, मेरे जैसे लोग आपको रिस्पेक्ट देते, बट मेरे को बाद में बहुत बुरा लगा था, मैंने उनको इतना कुछ कहा। फिर मैंने उनको सॉरी भी कह दिया था, उन्होंने मेरा लाइसेंस भी मुझे वापस दे दिया था, और पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, उन्होंने मेरा चालान भी नहीं किया था, बट मैं लाइसेंस छोड़ आई थी उनके पास, फिर थोड़ी देर बाद गई थी वापस लेने के लिए। तो इसीलिए मुझे डबल ट्रिपल खुशी हुई जब मैंने पुलिस वालों के आगे से निकली और ये बोल के आई हमें रोक के दिखा, हमें रोक के दिखा। बहुत मजा आया। मैं दिखाती हूँ आपको अभी हम किस गली से निकल रहे हैं, रुको निकल रहे हैं। और इस गली से क्यों निकल रहे हैं हमें खुद नहीं पता, बस निकल रहे हैं। जाम लगा था क्योंकि आगे। अच्छा ठीक है, राइट गली है ये। हाँ बट जितनी गाड़ी चोरी हुई ट्रैफिक से तो बच गए है ना। हम दोनों कहाँ आए हैं, हम दोनों कहाँ आए हैं, दोनों भाई बहन कहाँ आए। मामू को जाने की इतनी खुशी होती है हमें, क्यों बनाओ स्लोमो काइंड ऑफ थिंग। आजा स्लोमो में चल, सिनेमैटिक शॉट ले रही हूँ, चल स्लोमो में चल, मैं सिनेमैटिक शॉट लेती हूँ तेरा। मतलब मामू को जाने की इतनी खुशी, इतनी खुशी। कल आई थी अभी, मैं आज फिर से जा रही हूँ, मेरे लेसेस खुल गए। ये बांध दे यार, बांध दे प्लीज, प्लीज बांध दे। ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है। कौन सी लड़की पागल है? ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है। फिलहाल आप लग रहे हो। ये देखो ये मेरा प्यारा भाई, जिसको पता है वीडियो ऑन है तो चलो बांध ही देता हूँ शूज, अदरवाइज इसे मुझे चार थप्पड़ भी लगा दे। फुटेज मिल जाएगी, फुटेज मिल जाएगी मेरे को रिश्तेदारों की ओनली। गिन के 150 व्यू, उसमें से गिन के 10 लाइक, वो भी बड़े खास रिश्तेदार जो लाइक करते मजबूरी में। चलो ठीक है, देख लो भाई इतना अच्छा भाई है मेरा, शूज के लेसेस बांधता है जब वीडियो ऑन हो। एटलीस्ट वीडियो में थोड़ी सी इज्जत रख ली, कुछ नहीं दिखा होना भी ये देखने के लिए। ये होता आजकल खाना खाने पे भी, बाहर का तो टोटली बंद है। अभी तो मैं थोड़ा बात कर पा रही हूँ, इससे पहले बात भी नहीं कर पा रही थी, इतनी बुरी हालत थी। सोचा ये भी शेयर करती हूँ आपसे, जैसे बाकी चीज़ें करती हूँ। रोने से, दर्द से, वॉमिटिंग से बुरी हालत थी मेरी, पेट दर्द। चलो ठीक है, सी यू जब ठीक हो जाती हूँ थोड़ा। कल तक तो मैं बहुत खुश थी, ब्लॉग बना रही थी कि मैंने ये लिया, मैंने वो लिया। आज मैंने सुबह पोस्ट किया है, शाम को मैं हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ,
पता नहीं क्या चीज है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है ऐसा, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, बट जो मेरी 4-5 घंटे से हालत थी ना, आई कांट इवन एक्सप्लेन क्या हालत थी। 4 इंजेक्शन लग गए हैं, 2 और लगने हैं, पता नहीं कौन कौन से हैं। मेरी आंखें देखो कितनी ब्लैक हो गई हैं। ऐसे मैं 1 इंजेक्शन लगवाने से डरती हूँ, आज 5-6 है। मम्मा बीमार होगी तो लगाना पड़ेगा। मम्मा को लग रहा था 1-2 दवाई से ठीक हो जाएगा, बट यहाँ मसला थोड़ा गंभीर था। उतना गंभीर भी नहीं है, 2 घंटे की बात है और ठीक हो जाऊंगी। पर घर पे तो गंभीर ही था। हाँ घर पे गंभीर था, पता नहीं ऐसा क्या खा लिया मैंने, फूड पॉइजनिंग हो गई। चलो कोई नहीं, आज बाय द वे 25th है और रात के 2:30 बज रहे हैं आई गेस। मैरी क्रिसमस, मेरी तो मैरी क्रिसमस हो रही है। मेरे होंठ इतने सूख रहे हैं ना, मतलब इतनी डिहाइड्रेशन हो गई है कि मुझे इतनी प्यास लग रही है। मैं वेट कर रही हूँ कब ड्रिप हटे और मैं कुछ पानी वानी पीऊँ, कुछ पीऊँ। क्या लाइफ है, रोना आ रहा है पर नहीं रोना अब, और प्यास लगेगी। चलो शाम तक तो मैं ठीक थी, शॉपिंग कर रही थी, लाइक हल्का हल्का मुझे ऐसे हेडेक था, अचानक से रात में देखो क्या हाल हो गया। 3:30 होने वाले हैं, बहुत नींद आ रही है। मम्मा तो यहीं पे सो रहे हैं, लेक लेटे हैं अभी, जस्ट थक गए हैं वो। बुरी हालत हो रही है। घर जा रहे हैं, सुबह के 4 बज गए हैं, 4:30 हो रहे हैं। इतनी बुरी हालत कभी कभी इंसान की हो जाती है ना, मतलब मैं बिल्कुल पानी के लिए तरस गई थी, अभी मैं गाड़ी में बैठ के पीऊँगी, अभी भी तरस ही रही हूँ। क्या हालत हो रखी है। चलो आ गई हूँ मैं घर पे, सुबह के 5 बज रहे हैं, अब मैं सोऊंगी, थोड़ी रेस्ट करूँगी, होपफुली रेस्ट से प्रॉपर कम्प्लीट ठीक हो जाऊँ।